राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड के मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के बाद धवल भाग गया था, फरार था। गुजरात के राजकोट की अदालत ने टीआरपी गेम जोन अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ये आरोपी गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे। जब वो आरोपी अदालत में दाखिल हुआ तो उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसने घटना पर पछतावा है और सभी को लगा कि वो रो रहा है। 5 मिनट के बाद वो हंस रहा था और अदालत के से बहस कर रहा था। ये वो आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया और उसके बाद अदालत ने 14 दिनों की रिमांड पर तीन आरोपियों को भेज दिया है और जो मुख्य आरोपी है धवल ठक्कर उसे आबू रोड राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कोर्ट की सिंपथी लेना चाहता था और वो ऐसा सिंपथी लेने के बाद उसी ने ऐसा बताया कि अगर ये सब तो होता रहता है, देट वॉज हिज आर्ग्यूमेंट जो हमने कोर्ट को बोला कि इसको नोट कीजिए। जो एक्यूज अगर ऐसा बोल रहा था कि ये चीज तो होती रहती है, वो चीज को कोर्ट ने गंभीरता से नोट की है और सभी एक्यूज को 14 डेज की था। और ये वही एक्यूज है जो 5 मिनट पहले कोर्ट में रोने का ड्रामा कर रहा था और 5 मिनट के बाद ये जज के साथ ऐसी बात कर रहा था कि सर ऐसा तो होता रहता है। ये एक्यूज का टेंडेंसी है। जो राजकोट में हुए दर्दनाक हादसे के बाद भूपेंद्र पटेल सरकार एक्शन में दिख रही है। पुलिस कमिश्नर समेत 6 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। राजकोट के कमिश्नर राजू भार्गव को हटा दिया गया। वहीं राजकोट शहर की एडिशनल पुलिस कमिश्नर विधि चौधरी और DCP जोन 2 सुधीर कुमार जे देसाई का भी तबादला कर दिया गया है। इनके अलावा राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर आनंद पटेल का भी तबादला कर दिया गया। इससे पहले 6 अधिकारियों पर गाजगिरी थी। नगर निगम के 2 अधिकारी असिस्टेंट इंजीनियर जयदीप चौधरी और टाउन प्लानर गौतम जोशी को सस्पेंड किया गया था। PWD के 2 अधिकारी एडिशनल इंजीनियर पारस कोठिया और डिप्टी इंजीनियर MR सुमा को भी सस्पेंड किया गया। वहीं 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी इसके जद में आए, NR राठौर और पुलिस इंस्पेक्टर VR पटेल पर भी गाजगिरी है।